हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता अग्निहोत्री फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सिज़वन सॉस। तो सिज़वन सॉस बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है हम देख लेते हैं। हमें चाहिए साबुत मिर्च लाल। यहाँ पे ये मिर्च को हमने 30-45 मिनट्स के लिए गुनगुने पानी में भिगो दिया था और उसके बाद इस तरह से ये हमने इसका पेस्ट बना के रख लिया है। और ये देखिए, इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो लाल साबुत मिर्च होती है इन्हीं का हमने पेस्ट बना के ये रखा हुआ है। अदरक, अदरक को हमने बिल्कुल बारीकी से चॉप किया हुआ है। आप चाहें तो पीसेस में भी, बहुत महीन महीन पीसेस में इसको काट के रख सकते हैं। टोमेटो केचप, सोया सॉस, विनेगर, नमक, लहसुन, लहसुन को भी हमने बहुत बारीकी से चॉप किया हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम सिज़वन सॉस बनाना। सिज़वन सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, क्योंकि ये सॉस ज्यादातर हम स्टोर करके रखते हैं तो इसलिए हमें ऑयल थोड़ा सा ज्यादा डालना होता है ताकि ये खराब ना हो। ये देखिए, हमने ऑयल डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम गर्म हो जाने देंगे। 3-4 चम्मच के करीब हमने इसमें बड़े चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद में सबसे पहले ये लहसुन जो हमने काट के रखा था ये डालेंगे इसमें। लहसुन को थोड़ा सा भूनेंगे। गैस अगर आपको लगे कि फ्लेम ज्यादा तेज है तो हम मीडियम कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ ये जो हमने अदरक बारीकी से चॉप किया हुआ था ये हम डाल देंगे। अब इन दोनों को हम पहले अच्छे से थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। दो तीन मिनट तक लहसुन और अदरक भूनने के बाद में अब हम इसमें जो हमने लाल मिर्च का, साबुत लाल मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। धीरे से सारी सॉस हम इसमें पेस्ट जो है डाल देंगे। पेस्ट को हम इसमें डालने के बाद में 5 मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे। 5 मिनट के बाद एक बार हम इसको ओपन करके देखेंगे। इसको एक बार चला देंगे। अब हम इसमें जो हमने दूसरी सॉस और विनेगर, नमक लेके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले ये विनेगर हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद में हमने सोया सॉस ली हुई थी, सोया सॉस के बाद में टोमेटो केचप हमने लेके रखी हुई थी 2 चम्मच के करीब, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सबसे लास्ट में हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमें अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। फिर इसको एक बार हम अच्छे से चला देंगे। अब हम इसको धीमी गैस करके 15 मिनट के लिए ढक देंगे। 3-4 मिनट के बाद एक बार हम इसको ओपन करके देख लेंगे। इसको हम इस तरह से चला देंगे। अब क्योंकि हमें 15 मिनट तक इसको पकाना है तो हर थोड़ी देर पे हम इसको एक बार ओपन करके चला देंगे ताकि ये नीचे लगने ना पाए।
फिर से हम इसको एक बार ढक देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, इसको एक बार हम ओपन कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट बाद ये हमारी सिज़्ज़लिंग सॉस बनके रेडी है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसको सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। हमने सिज़्ज़लिंग सॉस को सर्विंग बाउल में सर्व कर लिया है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और फ्रेंड्स एक चीज और, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब बटन के पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स हम फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।